विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दबंग डायनामिक सीनियर लीडर तलहा अल कसेरी ने बतारीख 29 अगस्त बरोजे मंगल को तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचकर कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक से खसूसी मुलाकात करते हुए इनकी बेहतरीन खिदमात के लिए गुलपोशी व शालपोशी करते हुए बेहतरीन तरीके से इनकी तहनीत पेश की। वाज़ह रहे कि हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत गरीब व मुस्तहकिम आवाम को रोज़गार से मुंसलिक करने के लिए 100% सब्सिडी लोन फराहम किया जा रहा है, जिसमें पहली किस्त के तहत कई सारे गरीब व मुस्तहकिम आवाम को 1,00,000 रुपये के 100% सब्सिडी लोन के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई है। इसी तरह मजीद सिलसिलावार तरीक़े से इस्तेफादा कुनिंदगान में ये चेक्स तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के बाहमी इश्तराक से इस तरह के बेहतरीन इकदाम की सताइश करते हुए चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक की सताइश की गई और इनकी बेहतरीन तरीके से तहनीत भी पेश की गई। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में फाइनेंस माइनॉरिटी चेयरमैन हिम्मत वाला, ईमानदार, दयानतदार, वफादार, बेबाक, बहादुर, हौसले वाला हरदिल अजीज इसाक इम्तियाज साहब से हमने मुलाकात की। ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनके गुलपोशी भी की और शालपोशी भी की। उसकी वजह यह है कि हमारे हिंदुस्तान का, प्यारे हिंदुस्तान का, खूबसूरत हिंदुस्तान का नंबर 1 वजीर आला, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने जो अकलियतों को, माइनॉरिटीज़ को जो स्कीमात दिए हैं, उसके ताल्लुक से हमने मुलाकात की और तमाम तफसीलात से वाकिफ किया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर आली जनाब बैरिस्टर आली जनाब इसाक इम्तियाज साहब से मुलाकात किए और उनसे तमाम तफसीलात हमने आगाही हासिल की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के नंबर 1 शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और हिंदुस्तान का नंबर 1 MLA आली जनाब महतरम अल मुकाम हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब मुअस्सर असेंबली में नुमाइंदगी पर आज तमाम अकलियतों को इन तमाम जो है स्कीमों से मंजूरी अमल में आई, जिसके लिए हम हिंदुस्तान के नंबर 1 CM, प्यारा CM, मोहब्बत वाला CM, ईमानदार CM, हिंदू मुस्लिम इतिहाद को लेकर चलने वाला CM, दयानतदार CM, बेबाक CM, हिम्मत वाला CM, हौसले वाले CM को सल्यूट पेश करते हैं। और साथ में हमारे हरदिल अजीज शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को सल्यूट पेश करते हैं। और साथ ही साथ हमारे हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब MLA फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली PSC चेयरमैन को भी सल्यूट पेश करते हैं कि इन लोगों की कामयाब मुअस्सर नुमाइंदगी पर आज इतने अच्छे काम हो रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी और खुशी भी होगी कि हमारी हरदिल अजीज
हिंदुस्तान की नंबर वन एजुकेशन मिनिस्टर, तेलंगाना की नंबर वन एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम ने, और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने, और असद भाई ने, जो हमारे हरदिल अजीज डायनेमिक सुपर यंगेस्ट केटीआर सर से और केसीआर सर से बात कर जो 204 टिमरीज के स्कूलों का जाल बिछाकर तालीमी मैदान में माइनॉरिटीज को आगे करने का जो काम किया, आज उसका नतीजा है कि हमारे हबीबे मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब एमएलए फुलोरिडर तेलंगाना असेंबली के हलके में, सेगमेंट में, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इकामती स्कूल था, वहां के 5 तलबा व तालिबात ने नीट में टॉप रैंक लाकर 1,20,00,000 की सीट फ्री में हुकूमत तेलंगाना नंबर वन सीएम, नंबर वन केटीआर सर, और नंबर वन असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, और नंबर वन एजुकेशन मिनिस्टर ने उन बच्चों को एमबीबीएस की सीट फ्री में दी, जिसके लिए दिल की गहराइयों से उन बच्चों को सल्यूट। और टिमरीज के जितने भी डायरेक्टर्स है, जैसे एके खान साहब है, हमारे शफी साहब है, जितनी उनकी टीम है जो काम कर रहे हैं, उनको सल्यूट कि उनकी अथक कोशिशों से, मेहनतों से आज इन नौजवानों ने रात और दिन एक करके नीट में टॉप रैंक लाकर हिंदुस्तान भर में तेलंगाना का नाम रोशन कर एमबीबीएस की सीट फ्री में हासिल की, जिसके लिए हम दिल की गहराइयों से उन नौजवानों को, टिमरीज के तमाम जो है इस टीम को सैल्यूट पेश करते हैं। फिर एक बार आपको ये बताता चलूं कि ये माइनॉरिटीज के लिए जो 1,00,000 रुपए की स्कीम है, उसके साथ साथ 25,000 सेविंग मशीन्स भी इंशाल्लाह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अभी अभी प्यारा चेयरमैन, मोहब्बत वाला चेयरमैन, ईमानदार चेयरमैन ने कहा कि तलहा भाई 25,000 मशीन भी बहुत जल्द जो है माइनॉरिटीज के लिए दिए जाएंगे। मैं फिर एक बार हुकूमत तेलंगाना के, हिंदुस्तान के नंबर वन सीएम को सैल्यूट पेश करता हूं, और मुबारकबाद ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि हमारे जो एरिया के तमाम जिम्मेदार लोग हैं, खूबसूरत बारकस के, प्यारे बारकस के, मोहब्बत वाले बारकस के, प्यारे हैदराबाद के, प्यारे तेलंगाना के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के तरफ से दिल की गहराइयों से हिंदुस्तान के नंबर वन सीएम को सैल्यूट, नंबर वन केटीआर सर को सैल्यूट, नंबर वन असद भाई को सैल्यूट, नंबर वन अकबर भाई को सैल्यूट, नंबर वन और एक चवल्ला एमपी रंजीत रेड्डी सर को सैल्यूट, और नंबर वन एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम को सैल्यूट। ना सिर्फ मेरी जानिब से बल्कि तमाम यानी जितने भी हमारे कमेटियां हैं बारकस में, हैदराबाद में, तेलंगाना में, उन तमाम कमेटियों के तरफ से भी मैं दिल की गहराइयों से हमारे नंबर वन सीएम को सैल्यूट पेश करता हूं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम से ये अपील करता हूं, ये गुजारिश करता हूं कि आज हमको ये तमाम चीजें मिल रही है, शादी मुबारक है, ये भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने, एमपी साहब ने मिलकर हुकूमत को जो है मंजूरी दिलाने में की और अहम रोल अदा किया। कई ऐसे स्कीमा है जो माइनॉरिटीज के लिए निकले हैं, इसमें हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बहुत बहुत और असद भाई का बहुत बहुत की रोल रहता है कि हुकूमत को तमाम ये चीजें बताते हैं, और हुकूमत को हम सैल्यूट पेश करते हैं कि हुकूमत इस पे मंजूरी अमल करके आवाम को जो है इसका सफाया हासिल करने का मौका देती है। अब तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर करना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।